बिहार में बिना जाति की आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, चाहे बात स्वर्ण की हो या पिछड़े वर्ग की। यही वजह है कि बिहार में सारे राजनीतिक दल जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं भूमिहार जाति की। स्वर्णों में इस जाति का परसेंटेज बिहार में भले ही काफी कम है, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस में ये सबसे आगे है। वहीं वर्तमान स्थिति में ये समाज सभी दलों में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है, जबकि ये बीजेपी का आधार वोट माना जा रहा है। भूमिहार समाज के तमाम बड़े नेता भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अपने हिसाब से सेवा दे रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में JDU के टॉप 5 भूमिहार नेताओं के बारे में बता रहे हैं। इनमें महिला नेत्री भी शामिल है। सबसे पहले 5वें नंबर पर बात करते हैं शालिनी मिश्रा की। इनके नाम में मिश्रा लगा हुआ है, जिससे बहुतों को इनकी जाति को लेकर भ्रम हो जाता है। बहुत लोग दावा करते हैं कि ये ब्राह्मण जाति से हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये भूमिहार जाति से आती हैं और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में केसरिया से जीतकर विधायक बनी है। शालिनी मिश्रा के पति कमल मिश्र मधुकर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे भी सांसद रहे थे। इनकी मां डॉक्टर कामना मिश्रा भी राजनीति में एक्टिव थी। उस समय तक शालिनी ने सोचा भी नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आने वाली है। दरअसल शालिनी मिश्रा मार्केटिंग में MBA करने के बाद करीब 22 वर्षों तक विभिन्न कंपनियों के लिए काम कर रही थी। जब इनके पॉलिटिक्स में एंट्री की बात हुई तो इन्होंने पहले CPI को ज्वाइन किया, बाद में ये JDU में शामिल हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शालिनी के पति से गहरा लगाव था, इसीलिए इन्हें केसरिया विधानसभा क्षेत्र से JDU का टिकट भी मिल गया था। पति की समृद्ध विरासत का परिणाम रहा कि शालिनी मिश्रा भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी और इन्होंने विधायक बनकर दिखा भी दिया। अब बात करते हैं 4वें नंबर की। इस नंबर पर उनका नाम है जो अपने जमाने में काफी दबंग चेहरा माने जाते थे। उस जमाने में इनकी तूती बोलती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की। इनका किस कदर इलाके में वर्चस्व था, इसका अंदाजा आपको इसी से लग सकता है कि जगदीश शर्मा 1977 से साल 2008 तक इस सीट से लगातार 8 बार विधायक बने। ये साल 2009 के लोकसभा चुनाव में JDU के टिकट पर जहानाबाद से सांसद बन गए। इसके बाद साल 2010 में इन्होंने इस सीट के लिए अपनी पत्नी शांति शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि इनकी पत्नी शांति शर्मा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तब इन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा और जीत भी दिलाई। साल 2010 में जगदीश शर्मा की चुनावी ताकत को देखते हुए JDU ने इनके बेटे राहुल को टिकट दिया और वो भी जीत कर विधायक बन गए। इस तरह राहुल अपनी पुश्तैनी सीट से मात्र 26 साल की उम्र में ही विधायक बने। हालांकि साल 2015-20 के चुनाव में घोसी से राहुल कुमार हार गए। इसके बाद भी इलाके में जगदीश शर्मा के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। 3वें नंबर पर बात करते हैं नीरज कुमार की। नीरज कुमार मोकामा के रहने वाले हैं और आपको पता ही है कि मोकामा का इलाका भूमिहार बाहुल्य है। भूमिहार समाज से आने वाले नीरज कुमार इतने हाजिर जवाबी हैं कि विरोधियों की बोलती बंद कर देते हैं। खास बात यह है कि ये किसी से डरते नहीं। हाजिर जवाबी की वजह से ही प्रवक्ता की जिम्मेदारी इनके पास रहती है। ये जिम्मेदारी इन्हें साल 2009 से मिली हुई है। बिहार कैबिनेट में ये मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में JDU के मुख्य प्रवक्ता के पद पर भी हैं। इसके अलावा ये MLC के पद पर भी हैं। खास बात कि डिजिटल मीडिया की ताकत को सबसे ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं, इसीलिए वीडियो शैली में भी विरोधियों पर खूब प्रहार करते हैं। इसके साथ ही इस सरकार की बातों को भी प्रभावी ढंग से रखने की कला बखूबी जानते हैं। विपक्ष पर कड़े तेवर से हमला करते हैं, काफी मुखर होकर विरोधियों को पटखनी देते हैं। अपने हमले में गांव की लच्छेदार भाषा को भी शानदार ढंग से शामिल करते हैं। विरोधियों के छोटे से छोटे वार पर भी जबरदस्त ढंग से पलटवार करते हैं और चुनाव के समय इनकी जाति की ताकत का भी पता चलता है और विरोधियों को ये भी महसूस हो जाता है कि इनके पास वोट की भी ताकत है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के साथ साय की तरह रहने वाले विजय चौधरी की। ये लिस्ट में 2वें नंबर पर है। विजय चौधरी भी भूमिहार समाज से आते हैं तथा पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इनकी ताकत और सियासी चाल चुनाव के समय देखते ही बनती है। ये समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीत रहे हैं।
और मिथिलांचल के इलाके में इनकी केवल भूमिहार में ही नहीं बल्कि बाकी के स्वर्ण समाज समेत पिछड़ा वर्ग में भी अच्छी पैठ है। ये अपनी चुनावी रणनीति से केवल सराय रंजन ही नहीं, इस विधानसभा से सटी बाकी सीटों पर भी समीकरण बनाने बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इन्हें लोग आज तक कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखे हैं। इन्हें जेडीयू का बड़ा क्राइसिस मैनेजर माना जाता है। इनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है। पॉलिटिक्स से पहले ये बैंक में नौकरी करते थे। इनकी सभी सियासी चाल के आगे विरोधी कहीं नहीं टिकते हैं। अब बात करते हैं लल्लन सिंह की। लल्लन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। ये नालंदा के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी पकड़ नालंदा से लेकर मोकामा होते हुए मुंगेर तक हो गई है। इतना ही नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तो अब इनकी पहचान स्टेट से होते हुए नेशनल लीडर के रूप में की जाने लगी है। ये बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ये वर्तमान में मुंगेर के सांसद हैं और एमपी की तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी दोबारा काबिज हुए हैं। इन पर नीतीश कुमार बहुत अधिक भरोसा करते हैं और ये भी हर संकट में उनके लिए खड़ी रहते हैं। इन्हें जेडीयू का सबसे बड़ा पावर हाउस कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये विरोधियों का होम्योपैथिक इलाज करने में माहिर है तथा इनके ही इलाज से जेडीयू में बगावत करने वाले आरसीपी सिंह समेत अन्य नेता साइडलाइन हो गए। हालांकि इनका भी एक बार नीतीश कुमार के साथ मनमुटाव हो गया था, इसके बाद भी इन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। फिर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि ये दोबारा जेडीयू में शामिल हो गए। कहा जाता है कि लल्लन सिंह केवल संकट की घड़ी में ही नहीं खड़े रहते बल्कि चुनाव के समय भी इनकी सियासी ताकत देखते ही बनती है और महागठबंधन में आरजेडी के साथ जेडीयू के भी आने से इलाके में इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।